नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे NIOS DLED बिहार शिक्षक भर्ती में मान्य है या नहीं। तो देखिएगा, NIOS DLED को लेकर पहले भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें देखने को मिली थी और कुछ राज्यों में इसको वैलिड माना गया था, कुछ राज्यों में वैलिड नहीं माना गया था। हालांकि कोर्ट ने भी इसको वैलिड माना था, लेकिन ये अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी और बिहार में ही इसको पहले वैलिड माना गया था। उसके बाद में NCTE को भी इसमें चेंज करने के लिए कहा गया था। तो अभी यदि देखा जाए कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती, जो बिहार शिक्षक बहाली है, इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती 170,000 पदों पर लगभग जो वैकेंसी अभी आई है, नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो क्या इसमें NIOS DLED के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो देखिएगा, जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, उसमें DLED के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं या DLED को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है और जिसको BTC के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पे JBT के नाम से जाना जाता है, कहीं ETT के नाम से जाना जाता है और DLED के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो वर्तमान में भर्ती निकली है उसमें योग्यता जो मांगी गई है उसमें आपने 10+2 किया हो, साथ में DLED आपने किया हो, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो यदि आपने DLED किया है तो आप एलिजिबल है शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन यहाँ पे बात है कि क्या NIOS DLED अभ्यर्थी क्या इसमें भाग ले सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। तो देखिएगा, जी हाँ, आप बिल्कुल बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में NIOS DLED के वे ही अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जो केवल बिहार राज्य के हैं, बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। तो देखिएगा, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, क्योंकि वहाँ पे योग्यता में जो नई नियमावली आई थी वहाँ पे दिया गया था और नोटिफिकेशन में भी जो दिया गया है, बिहार का मूल निवासी हो, भारत का नागरिक हो, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। तो देखिएगा, इसमें बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अभी तक ये व्यवस्था है। हालांकि जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आया है तो हलचल तेज है और कुछ राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि उनको भी भाग मिले, वो भी इसमें भाग ले सके। तो ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। अगर ये कोर्ट में जाता है तो ऐसा हो भी सकता है कि इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाए, जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी है, क्योंकि ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद में पूरे देश से सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें केवल बिहार के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है वीडियो का, NIOS DLED के अभ्यर्थी क्या आवेदन कर पाएंगे, जी हाँ, आप बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं और DLED आपने चाहे कैसे भी किया हो, चाहे NIOS से DLED किया हो या आपने वैसे DLED किया हो, तो आप एलिजिबल हैं इसमें आवेदन करने के लिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो बस यही आज के वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित सभी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरे देश में शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी, प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।